तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको ऐसी कार दिखाने वाले हैं जो कि एक वीआईपी कार मानी जाती थी अपने टाइम पे, और बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं इस गाड़ी के साथ, वो तो हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी कैसी है, और सबसे अच्छी बात है ये गाड़ी पूरी रिस्टोर्ड है, 2014 का जो है ये मॉडल है, और ओनर से भी बातचीत करके बताएंगे आपको कि इसमें कितना खर्चा आया और क्या क्या परेशानियां हुई रिस्टोर करने में। और अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आते थे और कैसी है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आपकी। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको इसके बी रोल दिखाए काफ़ी सारे, कितनी जो है खूबसूरत तरीके से इसको रिस्टोर किया गया है, एक एक चीज़ का किया गया है, और साथ ही साथ सारे फंक्शन इसके काम कर रहे हैं। और क्या क्या इसमें फंक्शन मिलते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो आइए गाड़ी के अंदर, तो हालांकि थोड़ा सा घुसना मेरे लिए इसमें थोड़ा सा टास्क है, लेकिन एक बार जब मैं घुस जाता हूँ तो इसमें मैं बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पर एक स्पीडोमीटर दिया हुआ है, और साथ में ये जो है ओडोमीटर है, एक ट्रिप मीटर भी है, लगभग ये 1000 किलोमीटर के आसपास दिखाता होगा, मुझे मालूम नहीं है, शायद 999 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दिखाता है। और दूसरा यहाँ पर जो है फ्यूल का गेज दिया हुआ है, और उसके ऊपर हीट गेज दिया हुआ है जो आपके इंजन की जो है टेम्परेचर को दिखाता है, कूलेंट के टेम्परेचर को। और साथ में कुछ यहाँ पर वार्निंग लाइट दी गई हैं, जब वार्निंग लाइट इनमें जलती है तभी दिखाई देती है, अभी बैटरी का मार्क हल्का सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी जो स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील में जो है रैपिंग की गई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से, दिखने में काफ़ी अच्छा है और पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा है। और साथ में यहाँ पर जो वुडन टच दिया हुआ है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, हॉर्न भी अच्छा है। तो अभी इसके सेंटर कंसोल की बात करते हैं। सेंटर कंसोल में कुछ स्विचेस मिलते हैं यहाँ पर, ये सारे पावर विंडो के स्विच हैं, अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये विंडो ऊपर हो जाएगी, अगर नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगी। और ये लेफ्ट आगे का, राइट आगे का, ये पीछे का लेफ्ट, ये पीछे का राइट। और ये जो बटन दिया हुआ है, ये वाला जो स्विच दिया हुआ है, जैसे घरों में आते हैं बिजली के स्विच, उस टाइप का दिया हुआ है। और ये है पीछे के विंडो को लॉक करने के लिए। तो इस गाड़ी में 5 गियर मिलते हैं और एक रिवर्स मिलता है, और हैंडब्रेक यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये बहुत अजीब सी बात है कि ये गाड़ी हैंडब्रेक लगाने के बाद भी नहीं रुकती, और ये इस गाड़ी का फॉल्ट नहीं है, ये सारी गाड़ियाँ जो नई गाड़ियाँ भी थी वो हैंडब्रेक से नहीं रुकती थी, इसमें पीछे से ईंट लगानी पड़ती थी। अभी बात कर लेते हैं सीटों की। सीट काफ़ी कुशनी है, थोड़ा सा इसमें काम किया गया है, इसकी कुशन में थोड़ा सा काम किया गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई है। डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी तरीके से इसमें पेंट वर्क किया गया है, साथ में पॉलिशिंग, और यहाँ पर भी वुडन टच दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ओनर है इसके काफ़ी अच्छी तरीके से निखारा है, और पेंट वर्क आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल नई गाड़ी का जैसा आपको एहसास दिखाता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है ग्लव बॉक्स में, और ये तो अच्छा खासा डीप है, ज़्यादा नहीं है लेकिन डीप बहुत है, थोड़ा बहुत सामान आप इसमें रख सकते हैं। स्पीकर की बात करें, ये म्यूजिक सिस्टम है, इसमें 1 DIN का है, आप इसमें टच स्क्रीन लगा नहीं सकते, ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जगह बहुत कम है। और दूसरा यहाँ पर स्पीकर लगाए गए हैं इसमें, और एक स्पीकर इधर है। तो ये रहे एसी के कंट्रोल, ये कूलिंग को बढ़ाने और घटाने के लिए, और ये एसी के ब्लोवर जो हैं उनकी स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए, और यहीं से एसी ऑन और ऑफ भी होता है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि इसके राइट हैंड साइड में क्या क्या कंट्रोल आपको मिलते हैं। ये है आपके इंडिकेटर के लिए, ये है लाइट के कंट्रोल के लिए, डिपर आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइट के कंट्रोल इन बटनों में भी है, ये पार्किंग लाइट के लिए है, ये हेडलाइट के लिए है, और ये जो आपको बटन दिख रहा है ये वाइपर के लिए है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा, शायद पानी नहीं है, तो यहाँ से वाइपर ऑन भी होते हैं,
ठीक है। और ये है हीटर के लिए एडिशनल स्विच, और जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्विच, ये हेडलाइट लेवलर है। तो इस तरीके के पहले इसमें कंट्रोल आते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दरवाजों में कोई भी स्टोरेज आपको नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। यहाँ पर गेट लॉक करने के लिए और दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पर जो है हैंडल दिया हुआ है। तो आइए अब इसका बोनट ओपन करते हैं। बोनट कुछ इस तरह से खुलता है, इसको पुल करेंगे तो बोनट खुल जाएगा। वजन तो है ठीक ठाक इसका, ये जो है ना ये रहता है ऐसे है, ये रोल करके आता है और यहाँ पर फंस जाता है। आपको जो है पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इंजन है 2000 सीसी का डीजल इंजन है विदाउट टर्बो, और ये 51 BHP की पावर निकालता है और 106 Nm का टॉर्क निकालता है। ये जो है डिसकंटिन्यू हो गया था इंजन BS4 आने के बाद। और दूसरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इंजन इसका बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है, कोई भी काम नहीं हुआ है इंजन का, और अभी भी अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस देता है अपने मुताबिक। और ये जो वीडियो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आप फ्री एडवाइस में देख पाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बल्ब दिया हुआ है जिसको आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। ये इसलिए दिया हुआ है, शायद हिंदुस्तान मोटर वालों को मालूम था कि हमारी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी हो सकती है, रात अधरात को आप इसको बीच रास्ते में रिपेयर भी कर सकते हैं, इसलिए शायद ये बल्ब दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से था इसका इंजन बे। इसको बंद कर देते हैं और बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, जो कि करनी चाहिए ये बात। काफ़ी मजबूत है ये गाड़ी, आप इसको बजा नहीं सकते और गाड़ियों की तरह जो अभी आती है, बहुत ही मजबूत ढांचा हुआ करता था इस गाड़ी का। तो यही कुछ है इस गाड़ी में, पीछे लीफ स्प्रिंग आया करती थी, और ये जो अलॉय व्हील है ये जो हिंदुस्तान मोटर की अवीगो आया करती थी, जो शायद 2010 या 11 में बंद हो गई थी, उसके अलॉय व्हील है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है, ना इसमें पेंट किया गया है ना कोई पॉलिशिंग करी गई है, बिल्कुल स्टॉक है। और बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं इसका बूट कितना है, बूट की एग्जैक्ट। ओ बाप रे ये अपने आप ही लॉक हो जाता है। काफ़ी सिंपल जो है जुगाड़ दिए गए हैं यहाँ पर और काम करते हैं एक्चुअल में। और बूट स्पेस जो है काफ़ी अच्छा खासा है, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है, यहाँ पर भी इंसुलेशन का काम किया जा रहा है इस गाड़ी में अभी भी, और एग्जैक्ट तो नहीं मालूम लेकिन अच्छा खासा बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है। और अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 55 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसके अंदर, इसके नीचे आपको मिल जाएगा स्पेयर व्हील। इंटीरियर वगैरह आपने देख ही लिया, इंटीरियर काफ़ी शानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेस और दिखा देता हूँ मैं आपको, हाइट बताने की ज़रूरत है क्या आपको? वही 6 फिट, लेकिन आजकल थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। इतना जो है वो मेरे को लेग रूम मिल रहा है लगभग, और इतना मेरे को लगभग यहाँ पर हेड रूम मिल रहा है। कोई 6 वे एडजस्टेबल आपको सीट नहीं मिलेगी, उसकी उम्मीद भी मत करना, लेकिन पोजीशन बहुत बढ़िया है ड्राइविंग के लिए। अब मैं सेम पोजीशन के साथ मैं पीछे बैठता हूँ, आगे का एडजस्ट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग इतना सा मेरे को यहाँ पर लेग रूम मिल रहा है और यहाँ पर इतना सा मेरे को हेड रूम मिल रहा है। एक ख़ास बात है इन सीटों की, आप देखेंगे ज़रा तो यहाँ पर थोड़ी सी ना गहराई ज़्यादा है और यहाँ पर उठाव ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा मिलेगा यहाँ पर। नाइस, काफ़ी गद्देदार गदम गदम सीटें हैं, जैसे सोफा नुमा जो सीटें होती हैं ना वो वाली सीट है इसके अंदर। नाइस, पीछे 2 बंदे ही आराम से बैठ पाएंगे, 3 बंदे थोड़े से जो है वो कंजस्टेड हो जाएगा पीछे बैठना, लेकिन कंफर्टेबल है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस गाड़ी के ओनर से, ये गाड़ी के ओनर भी हैं और इन्होंने खुद अपनी गाड़ी को रिस्टोर भी कराया है। तो मिलिए नवीन जी से, ये है नवीन यादव और ये रहते हैं रेवाड़ी में। तो भाई साहब एक बात बताइए, ये आपका शौक है या किसी की डिमांड पे आपने गाड़ी को रिस्टोर करा था, या कोई आपका फ्यूचर में बिजनेस करने का प्लान है इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव फ्रॉम रेवाड़ी, एंड जैसे कि क्वेश्चन किया है भाई साहब ने, तो ये बेसिकली शौक है मेरा। इससे पहले मैंने बाइक्स वगैरह भी की हैं, बुलेट वगैरह स्पेशली करता था मैं, बट गाड़ी फर्स्ट टाइम की है, तो ये अपने शौक के लिए की है। बट जैसे कि रेस्पॉन्स लोगों का आया और काफ़ी लोग मतलब चर्चा भी करते हैं मेरे से, आके भी पूछते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब प्रोफेशन भी बना लिया जाए। तो अब ये बताइए कि ये कौन सा मॉडल है, कितने की आपने ली और कहाँ से ली? ये मॉडल, अगर मॉडल की बात करें तो 2013 10वें महीने का मॉडल है, अक्टूबर 2013, और ये मैंने उत्तराखंड से परचेज की थी। और इस गाड़ी में मैंने स्पेंड किया 1.5 लाख, तो टोटली मुझे ये 295
अराउंड मुझे गाड़ी मतलब कि 1.5 लाख की आपने ली थी ये गाड़ी। हाँ, और लगभग लगभग इतना ही जो है वो आपने खर्चा रिस्टोरेशन पे, रिस्टोरेशन पे पैसे लग गए इसमें। अच्छा, लेकिन गाड़ी बाहर से तो बिल्कुल नई जैसी दिखाई देती है। काफ़ी अच्छा काम किया है, खुद सामने रह करके काम कराया है, जो भी मैंने आउटसोर्सिंग की है इसके लिए, जैसे पेंट जॉब वगैरह, पेंट बूथ में या फिर। तो एक बात बताओ, आपको ये सारी चीज करने में टाइम कितना लग गया, मतलब कब ली थी ये और कितना टाइम लगा इसको, अभी ये जो फाइनल एक तरह से दिखाई दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट? लास्ट अक्टूबर में ली थी मैंने ये, और 6 मंथ्स मुझे लग गए इसमें कंप्लीट करने में। तो अब ये बताओ कि आपने सिर्फ एम्बेसडर ही क्यों ली, क्योंकि लोगों को शौक होता है जीप रिस्टोर करने का, और भी कई गाड़ियां हैं, एम्बेसडर ही क्यों? एम्बेसडर इसलिए ली मैंने क्योंकि एक तो हिंदुस्तान मोटर्स का काफ़ी पहले से ही काफ़ी अच्छा मतलब कि फ़ैन हूँ मैं इसके लिए। अच्छा, और इससे पहले मैंने कॉन्टेसा ढूंढी थी, कॉन्टेसा लेकिन आजकल मिलती नहीं है और फिर वैलिडिटी भी नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड ऑप्शन के लिए एम्बेसडर को ही चुना। अच्छा, रिस्टोर करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ से आपने पार्ट अरेंज करे, क्या इजीली मिल जाते हैं, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। रिस्टोर करने में सबसे मेन दिक्कत आई कि काफ़ी जैसे स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल परचेज करने में काफ़ी दिक्कत आई मुझे। दिल्ली में भी मैंने काफ़ी ट्राई किया, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ओएलएक्स पे भी कुछ एसेसरीज सेल आउट करते हैं लोग, तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी मदद लेके तब जाके प्रोक्योर किए सारे पार्ट्स। कुछ बाहर से भी मंगवाए थे? बाहर से कोई पार्ट नहीं मंगवाया मैंने, बाहर से कोई पार्ट नहीं मंगवाया, लेकिन वो तो ये है कि अगर हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं तो मिल गया, अदरवाइज किसी और एरिया में होता तो शायद नहीं मिलता। देखो, काफ़ी अच्छी रिस्टोर करी है आपने गाड़ी, ये तो मानना पड़ेगा, तो फ्यूचर के अंदर ये तो आपका शौक था, तो और भी कोई गाड़ियाँ रिस्टोर करोगे अभी? बिल्कुल करूँगा मैं, इसी वजह से मैं इसको सेल आउट करने की सोच रहा हूँ, अगर सेल होती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट गाड़ी कोई भी लूँगा, मतलब कि रिस्टोरेशन के लिए अगर कोई कस्टमर आता है और मॉडिफिकेशन के लिए बोलता है तो मैं बिल्कुल करूँगा इस चीज़। कितने तक का सेल आउट करोगे अगर ये? इसको 2.95 लाख, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके, तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चल रहा है। क्योंकि पहली गाड़ी है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी लिया इस गाड़ी से मुझे, और फर्स्ट टाइम मतलब रिस्टोर की है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको करके फिर नेक्स्ट गाड़ी इससे भी अच्छी, मतलब नेक्स्ट कौन सी आप देख रहे हो? नेक्स्ट तो मैं अभी तो मैं एम्बेसडर ही देखूंगा पेट्रोल वर्जन में। अच्छा, ये डीजल वर्जन है तो पेट्रोल वर्जन में देखूंगा, क्योंकि इसमें जो इंटीरियर मतलब कि कैबिन साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है डीजल की वजह से, और इसमें वैसे काफ़ी अच्छा काम भी किया मैंने, मतलब हीट इंसुलेशन के लिए, साउंड इंसुलेशन के लिए, पूरा का पूरा फ्लोर में मैंने फ्लोरिंग इस तरीके से की हुई है, इंपोर्ट मटेरियल मंगवाया था मैंने, इसमें सिल्वर फॉइल वगैरह में काफ़ी चीज़ें एडिड रहती हैं जो साउंड प्रूफिंग होती है। तो दोस्तों, ये थी नवीन भाई साहब से बातचीत, जिन्होंने अपनी गाड़ी को रिस्टोर किया और आगे भी करते रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब जो है हम गाड़ी को चलाएंगे और कितना मज़ेदार जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा हमारा, जो कि होने भी वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिएगा, जैसे इन्होंने लगाई हुई है, इन्होंने लगाई हुई है, मैंने नहीं लगाई हुई क्योंकि ये सीट कवर के नीचे है फिलहाल। ठीक है, वैसे भी 20-30 की स्पीड में चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।